अच्छा फरीन, मैं ऑफिस जा रही हूँ और अपनी भाभी का ख्याल रखना। जी ठीक है भाई। ए महारानी जरा। जी भाभी। घर का सारा काम पड़ा वो कर जाकर बर्तन भी धो दिए। ठीक है भाभी। इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये हर वक्त उसके सर पे चढ़ाए रहते हैं। भाभी तो बहुत बुरा बर्ताव कर रही है, भैया शिकायत कहना पड़ेगी। बेटा फरीन क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भैया हमने सोचा था जब आपकी शादी हो जाएगी तो भाभी हमारा बहुत ख्याल रखेंगी। तो क्या भाभी आपका ख्याल नहीं रखती, आपसे प्यार नहीं करती? भैया जब आप चले जाते हैं तो भाभी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं, सारा घर का काम करवाती हैं मुझसे। अलीशा अरे आ गए आप? मैं तो आ गया, तुम कहाँ थी? वो मैं घर का काम कर रही थी, बहुत थक गई हूँ मैं। थक गई हूँ, बैठो इधर बैठो। क्या बात है, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तुम काम कर रही थी आराम? मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैंने शादी अपनी बहन के कहने पे करी है। और जो तुम इसके साथ बर्ताव कर रही हो, क्या तुम सही कर रही हो? ये झूठ बोले, घर का सारा काम मैं करती हूँ। नहीं भैया ये झूठ बोले, सारा घर काम मुझसे करवाती है, मैं करती हूँ सारे घर का काम। जब तुम इस तरह से मेरे सामने बात कर रही हो इनसे, तो पीछे में मेरे कैसे बोलती होगी? और मुझे सफाई पेश मत करो, अपनी गलती गलती को महसूस करो। वैसे भी हमारे माँ बाप तो है नहीं, और हम जैसी सीख देंगे इन्हें ये वैसा ही सीखेंगी। ये प्यार करा करो, प्यार से बोला करो, ये इकलौती बहन है मेरी, और ख्याल रखा करो आगे से कोई शिकायत ना सुन लो तुम्हारी। सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपकी बहन से एक काम भी नहीं करवाऊंगी, सारा काम मैं करूंगी। और जाओ खाना लगाओ जाके। अपनी नंद को अपनी बहन की तरह समझो, ना कि उसे नौकरानी।